मैं यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट मास्टर्स इन यहाँ से एंट्रेंस है एंड दिस इज द आस्क UOW। बस मेरा थोड़ा यूट्यूब का जर्नी आपसे शेयर करने का था। हे गाइस, वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू वीडियो। आज के इस वीडियो में मेरे को बहुत दिनों से ये वीडियो बनाने का था, ठीक है, पर मैं कभी ये वीडियो बना नहीं पाया क्योंकि मैं और कुछ कंटेंट में बिजी था। बट इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मैं एग्जैक्टली कौन हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। दिस वीडियो इज ओनली अबाउट माई सेल्फ, सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड मेक श्योर दैट हिट द लाइक बटन। ऑल्सो अगर आप चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब करना, ठीक है। तो वीडियो को चालू करते हैं। जस्ट मैं यूनिवर्सिटी आया, ठीक है, तो सोचा कि मैं कभी अपने आप को इंट्रोड्यूस नहीं कर पाया, बहुत लोग को मेरा नाम नहीं पता रहेगा या बहुत लोग मेरा सिर्फ यूट्यूब चैनल से समझ रहे कि मैं ऑस्ट्रेलिया में हूँ, बहुत लोग को पता नहीं मैं कौन सा कोर्स कर रहा हूँ, मेरा बैकग्राउंड क्या है, कुछ नहीं पता, ठीक है। तो मैं सोचा कि मैं एक इंट्रोडक्शन वीडियो मेरा बनाता हूँ, ठीक है। सो माई नेम इज़ एबल साइमन, ठीक है। आई एम बेसिकली फ्रॉम केरला, ठीक है, मेरा पेरेंट्स दोनों केरला से है बट मेरा ग्रैंडफादर सेटल्ड डाउन इन कर्नाटका। सो मेरा नेटिव प्लेस इज लाइक केरला एंड कर्नाटका बट आई एम बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन मुंबई, सो इसलिए मेरा हिंदी भी आप देख सकते हो, मैं बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन मुंबई हूँ, ठीक है। बचपन से लेके आज तक मैं मुंबई में, तो ऑस्ट्रेलिया आने से पहले भी मुंबई में था, ठीक है, और मैंने मेरा सब पढ़ाई सब कुछ मैं मुंबई से किया है। मेरा स्कूलिंग ठाणे से किया है, ठीक है, सेंट जॉन बैप्टिस्ट हाई स्कूल मेरा स्कूल था। उसके बाद मैं 11th 10th 12th मैंने किया SIS कॉलेज में इन द स्ट्रीम ऑफ साइंस। उसके बाद मैंने किया बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फ्रॉम फादर अग्रेल कॉलेज वाशी, ठीक है। तो ये हो गया मेरा एजुकेशनल बैकग्राउंड, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में एज अ इंटरनेशनल स्टूडेंट मास्टर्स इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कर रहा हूँ, ठीक है। 2 साल का मेरा ये कोर्स है, मेरा भी फर्स्ट सेमेस्टर एंड सेकेंड सेमेस्टर दोनों खत्म हो गया। सेकेंड सेमेस्टर का जस्ट अभी एग्जाम्स खत्म हो, उसके रिजल्ट अभी तक आए नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट सेमेस्टर जुलाई एंड से हमारा थर्ड सेमेस्टर चालू होगा, ठीक है। तो मेरा और 2 सेमेस्टर बाकी है। और ये चीज़ है कि मैं इंट्रोडक्शन वीडियो बना रहा हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ फुलंगोंग के कैंपस में, ठीक है। तो आपको भी थोड़ा कैंपस दिखाता हूँ मैं, अभी यूनिवर्सिटी ऑफ फुलंगोंग के कैंपस में हूँ। कैंपस का एक प्रॉपर डिटेल्ड वीडियो मैं बाद में बनाऊंगा, ठीक है, पर आपको मैं एक बेसिक चीज़ें दिखाता हूँ, ठीक है। यहाँ से एंट्रेंस है एंड दिस इज़ द आस्क UOW। आपको जो भी क्वेरीज है, जो भी डाउट्स है, आप इसके अंदर जाके, आपको टाइमिंग बताता हूँ मैं, दिस इज़ द टाइमिंग मंडे टू फ्राइडे 8 to 6:30 एंड ये ईमेल आईडी इनका। आपको जो भी डाउट्स है यहाँ पे अंदर जाके आप मिल सकते हो, और जो भी फ्यूचर के स्टूडेंट्स हैं जो यहाँ पे नहीं आ पाते, आपको ईमेल, ये ईमेल आईडी से आप कर सकते हो कॉन्टैक्ट। तो मेरे को बस मेरा थोड़ा यूट्यूब का जर्नी आपसे शेयर करने का था। मैंने यूट्यूब चैनल बनाया था दिसंबर में 2020 में एज अ फूड ब्लॉगर, ठीक है। ये चैनल का पहला नाम था मुंबई कर फूड बडीज, इंस्टाग्राम में भी ये चैनल का नाम था मुंबई कर फूड बडीज, ठीक है। इंस्टाग्राम में अराउंड 5000 फॉलोवर्स थे एंड यूट्यूब में अराउंड 500 सब्सक्राइबर्स थे जब ऑस्ट्रेलिया आने से पहले, ठीक है, और ये चैनल मैंने बनाया था, ठीक है। उसके बाद ये मेरा दोस्त ने मुझे हेल्प किया था चैनल ग्रो करने के लिए, बट ऑस्ट्रेलिया आने के बाद मुझे लगा कि नहीं यार, फूड ब्लॉगिंग मेरे से नहीं हो पाएगा एंड मैं फूड ब्लॉगिंग छोड़ दिया। इट्स नॉट दैट आई डोंट लाइक डूइंग फूड ब्लॉगिंग, इट्स दैट मेरे को बस लोगों को हेल्प करने का था, मेरे को बस लोगों से कनेक्ट करने का था। आई जस्ट वॉन्टेड टू टॉक, सॉल्व देयर क्वेरीज एंड बिल्ड अ कनेक्शन विथ ऑल ऑफ माई फ्रेंड्स। मेरा यूट्यूब से वुलंगोंग में आके बहुत दोस्त लोग बने, ठीक है, ट्रस्ट मी, इफ़ यू गाइस वांट टू मेक फ्रेंड्स आई एम रेडी टू मेक फ्रेंड्स ऑल्सो, ठीक है। तो यहाँ पे आके मेरे बहुत अच्छे अच्छे दोस्त लोग बने, ठीक है। मैं यूट्यूब यहाँ पे आने के बाद मुंबई कर फूड बडीज से एबल साइमन मेरा नाम पे चेंज किया था, ठीक है। मैं आया था 524 सब्सक्राइबर्स से ऑस्ट्रेलिया एंड अब भी हमारा सब्सक्राइबर्स है 1300, ठीक है, एंड आई एम वेरी ग्लैड दैट हमारा चैनल ग्रो हो रहा है। ये अब मेरा अकेला का चैनल है, ये हमारा चैनल है, ठीक है। आप यहाँ पे आपको जो भी वीडियोस चाहिए, जो भी कंटेंट चाहिए, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर डाल सकते हो। आपको इंस्टाग्राम में कनेक्ट कर रहे हैं, मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा, आप ज़रूर आ सकते हो, ठीक है। आप कुछ भी क्वेरीज है आप मुझे ज़रूर मैसेज करना, आई एम रेडी टू हेल्प यू। अगर आपको एक डिटेल वीडियो चाहिए मैंने क्यों यूनिवर्सिटी ऑफ फुलंगोंग चूज़ किया, बाकी कोई यूनिवर्सिटी क्यों नहीं चूज़ किया, उसके ऊपर भी मैं आपको एक डिटेल्ड वीडियो बना सकता हूँ, ठीक है। आपको जो कंटेंट चाहिए मैं आपके लिए बना सकता हूँ। मेरा मन में भी बहुत कुछ आइडियाज़ है, वो आने वाले वीडियोज़ में बहुत कुछ आने वाले। मेक श्योर दैट अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। रीज़न वाई आई सडनली स्विच्ड फ्रॉम इंडिया टू ऑस्ट्रेलिया इज दैट मेरे को इंडिपेंडेंट होने का था। ऐसे नहीं है कि इंडिया में जो भी है वो इंडिपेंडेंट नहीं हो रहा है, ठीक है। मेरे को एक न्यू कंट्री में जाके आई जस्ट वॉन्टेड टू फेस वॉट ऑल द स्टूडेंट्स आर फेसिंग। इसलिए जो भी स्टूडेंट्स को कुछ भी है डिफ़िकल्टीज होते हैं तो मेरे को समझ आता है, ठीक है, क्योंकि मैं भी ये सब डिफ़िकल्टीज से जा चुके और अभी भी जा रहा हूँ, ठीक है। तो गाइस, यूनी जाने के बाद मैं घर आ गया, ठीक है। तो मेरे को थोड़ा और डिटेल्ड वीडियो बनाने का, कोविड हिट हो गया आप सबको पता है, उसके बाद
I was the one who decided that I will never go to any country. ठीक है, मैंने decide किया था कि मेरे को India में रहना है. क्यों पता नहीं, ऐसे मेरे को एक feeling आया था यार India में रहेंगे. But suddenly मुझे लगा कि मैं अपने आप grow नहीं हो रहा हूँ, मेरे को एक exposure नहीं मिल रहा है, एक independence नहीं मिल रहा है. मुझे ऐसा लगा कि yeah, I think अभी time आ गया है अपना comfort life छोड़ने का and स्ट्रगल्स फेस कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पेरेंट्स जो है, स्पेशली मेरा डैड, लाइक ही वॉज अब्रॉड, लाइक ही वॉज इन रियाद, बहुत स्ट्रगल्स फेस किया. मेरा मम्मी ने भी बहुत स्ट्रगल्स फेस किया. इट्स लाइक अभी उनको थोड़ा रेस्ट देने का टाइम हो गया और हमारा ड्यूटी है अभी उनको देखने का. एंड हमारी ड्यूटी नहीं, हमारा लाइक वो अभी भी दे आर इंडिपेंडेंट, लाइक दे डोंट वॉन्ट टू डिपेंड ऑन द किड्स, बट एज चिल्ड्रन इट्स आर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेक केयर ऑफ देम. ठीक है, तो आई वॉज लाइक थोड़ा एक्सपोजर भी हो जाएगा, थोड़ा इंडिपेंडेंसी भी हो जाएगी और थोड़ा स्टेबिलिटी भी हो जाएगी. तो मैं सोचा कि क्यों नहीं हम कोई और कंट्रीज बाहर जाने का ट्राई सोचे. सडनली मेरे को ऐसा लाइक विद इन स्पैन ऑफ वन मंथ मैं डिसाइड किया. मैं बहुत सोचा लाइक कम्फर्ट जोन, फ्रेंड्स, सब कुछ छोड़ रहा हूँ, बट आई हैव टू टेक द हार्डेस्ट डिसीजन. ठीक है, तो मैंने वो डिसीजन लिया. आई थिंक दैट डिसीजन वॉज गिवन टू मी बाई गॉड. नहीं तो फिर मैं कभी यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में नहीं होता, कभी मैं व्लॉग्स नहीं बनाता, मैं क्या करता, मुझे कुछ आइडिया नहीं है. ठीक है, तो फर्स्ट मैं सोचा था कि मैं कनाडा यूएस जाऊँ, क्योंकि यूएस में मेरा मेजॉरिटी ऑफ द फ्रेंड्स है, कनाडा में भी फ्रेंड्स है. ठीक है, बट यहाँ पे मेरा डैड एक मेजर रोल प्ले किया. आई वाज लाइक मुझे ऑस्ट्रेलिया नहीं जाना है, क्योंकि मेरे को वापस मेरा भाई पे इंडिपेंडेंट नहीं होना है. ऐसा मेरा की मेंटालिटी था, मेरा की थिंकिंग था. मे बी आई वॉज रॉन्ग, मे बी आई कुड हैव बीन रॉन्ग, मे बी आई एम राइट. बट मेरा भाई तभी भी बोला था तू अलग स्टेट में, मैं अलग स्टेट में, टेंशन मत ले, तू मेरे पे डिपेंडेंट नहीं होएगा. ठीक है, तो आई वॉज लाइक ठीक है यार, देखते हैं अभी क्या होता है. तब मैंने पापा को बोला कि पापा मुझे यूएस या कनाडा जाना है. तो पापा मुझे एक ही चीज़ बोला, अगर तू जा रहा है एबल बाहर तो तू सिर्फ ऑस्ट्रेलिया जाएगा, क्योंकि तेरा भाई वहाँ पे, तेरा भाई को, मेरा भाई 5 साल से ऑस्ट्रेलिया में. ठीक है, तो मेरा भाई को पता है कि रूल्स क्या है, और स्पेशली NSW में था मेरा भाई तो वो टाइम पे, तो मेरा भाई को एग्जैक्टली पता है रूल्स क्या है, अकोमोडेशन कैसे मिलती है, जॉब्स कैसी है. ठीक है, एंड वो टाइम पे मैं डिसाइड किया कि हाँ अभी मेरे पास ऑप्शन ये, तो ऑस्ट्रेलिया जाऊंगा. बट यहाँ पे आने के बाद जो एक्सपोजर मिला है, जो स्टेबिलिटी मेरे को लाइफ में मिला है, वो कोई और कंट्री में जाके मेरे को मिलता था कि मेरे को डाउट है. मैं कोई कंट्री को जज नहीं कर रहा हूँ, प्लीज़ उसको गलत वे में मत लेना, मैं कोई भी कंट्री को जज नहीं कर रहा हूँ, बट ऑस्ट्रेलिया इज गिवन मी लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़. तो मैं यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में लैंड करने के बाद मेरा भाई का एक अंकल ने, हमारा जो अंकल है उन्होंने, ही इज़ एन ऑजी लेबनीज गाय. ठीक है, उन्होंने मुझे पिक किया था एयरपोर्ट में, क्योंकि मेरा भाई वो टाइम पे सिडनी नहीं आ पाया. तो मुझे, हम ऐसे बात कर रहे थे, उन्होंने मुझे एयरपोर्ट से पिक किया, उनका घर लेके जा रहे थे, बात कर रहे थे एज लाइक हाउ इज ऑस्ट्रेलिया गोइंग, ऐसे सब मैं पूछ रहा था उनसे. तो मुझे उन्होंने एक ही चीज़ बोला था, एबल इफ़ यू आर विलिंग टू वर्क हार्ड ऑस्ट्रेलिया इज़ द कंट्री फॉर यू. एंड दैट्स एक्चुअली रियली रियली ट्रू, इफ़ यू आर विलिंग टू वर्क हार्ड. मुझे सच्ची जो उन्होंने बोला अभी तक मुझे वो याद है, वो सेंटेंस, मैं घर पे भी वो सेंटेंस बोला था, उन्होंने मुझे ऐसा चीज़ बोला था, एंड दैट्स एक्चुअली रियली रियली ट्रू. ठीक है, को बहुत पेरेंट्स का मैसेजेस आ रहे, बहुत बच्चे लोग ऐसे बोल रहे कि उनका पेरेंट्स ने उनको हमारा, मेरा चैनल देखा है. एंड आई एम रियली रियली हैप्पी दैट आपको मैं हेल्प कर पा रहा हूँ. अगर आपको कुछ भी हेल्प चाहिए, मेक श्योर दैट यू चेक द डिस्क्रिप्शन, माय इंस्टाग्राम लिंक विल बी देयर, यू कैन टेक्स्ट मी, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई यू. ठीक है, कोई भी आपको क्वेरीज है प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम में मैसेज कर लेना, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर दूंगा. ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया. तो मिलते हैं बहुत जल्द एक नए वीडियो में. Until then, take care, stay safe, bye, peace.